ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि सुनना भी आपको है और करना भी आपको ही है, इसलिए सुनना मत ढंग से। अब सुनने के बाद में एक जो प्रक्रिया है समझने की, और वो समझने की प्रक्रिया पूरी होनी चाहिए। कि समझ में नहीं आता तो सुना सुनाया भी रह जाता है, और समझ में आने के बाद में आगे की प्रक्रिया क्या है उसको करना। और फिर उसको करने में अगर आलस आता है तो वहां पहुंच नहीं पाएगा। तो कहा, नी अक्षर पावे जन सोई। नी अक्षर जो अक्षरों से परे है, पहले आपने सुना है ओम राम सोहम शक्ति निरंजन इत्यादि जो अक्षर में लिखने वाले नाम आते हैं उनसे वो नी अक्षर परे है। हालांकि गुरु एक अक्षर आपको देंगे, उस अक्षर को आपको भजन करना होगा, तभी आप उस नी अक्षर में जाओगे। वो केवल उसको प्राप्त करने की भूमिका पर जाने के लिए होता है। बोलो सद्गुरुदेव की। जो लोग ध्यान से नहीं सुन रहे हैं उनको ये बात समझ में नहीं आएगी, क्योंकि पहले ही बताया ये इतने गुड रहस्य की बातें हैं जो देवताओं को भी समझ में नहीं आई। ब्रह्मा विष्णु महेश है, निरंजन है, यानी क्या नाम, ब्रह्मा विष्णु महेश को भी समझ में नहीं आई वो उस देश की बात है जो साहेब कह रहे हैं, यानी कई ऋषि मुनियों को भी समझ में नहीं आई, इतनी ऊंची बात है। अगर आप लोग ध्यान से सुनोगे नहीं, आलस करोगे, आपको समझ में नहीं आएगा। समझ में नहीं आए करोगे कैसे? देखिए, नी अक्षर पावे नहीं सोई, और कैसे के स्थिर प्राणी हुई। जब लग गुरु से करे नहीं नेहा। सब व्यक्तियों को घर से, मकान से, पत्नी से, परिवार से, बाल बच्चों से सब बहुत प्रेम है ना? आप सुन रहे हो, आपको किससे प्रेम है ज्यादा? पैसा से, धन से, संपत्ति से, है ना? मेरा बच्चा कहाँ गया, क्यों नहीं आया, भोजन किया कि नहीं किया? हाँ ठीक है। तो आपको ये ख्याल रखते हुए, घर में रहते हुए, सबके साथ रहते हुए, सब अच्छा कार्य करते हुए आपको गुरु से सने करना होगा। क्योंकि साहिब क्या कहते हैं, जब लग गुरु सो करे न नेहा। गुरु मतलब बॉडी नहीं, शरीर नहीं, गुरु जो वचन कहते हैं शब्द। जब लग गुरु सो करे न नेहा, तब लग प्राणी प्रेत की देहा। जब तक कोई को गुरु से प्रेम नहीं आ रहा, गुरु से मिलने की इच्छा नहीं हो रही है, तब साहिब की दृष्टि में वैसा आदमी भूत है। क्या है? पहले क्या बताया था? पहले कुत्ता बताया था, अभी बता रहे हैं जिस जीव को गुरु से प्रेम नहीं है वो भूत है, प्रेत है, जीता जागता। ये साहिब के वचन गलत नहीं है, आपको समझना है क्यों कह रहे हैं ऐसा। इसे क्योंकि जिनको गुरु से प्रेम नहीं है उनको खाने पीने की कोई सोची नहीं है। तो जब लग गुरु सो करेन नेहा, तब लग प्राणी प्रेत की देहा। आदि नाम अमृत तन पावा, जाही पांती कुल धर्म नसावा। जाति है, पाती है, कुल धर्म है, ये सब से ऊपर उठने वालों ने नी अक्षर को पाया है। याद रखिएगा, ये ऊपर उठना ये है। आप नहीं सोचो कि भाई मैं हवाई जहाज में उठ गया तो ऊपर उठ गया, है ना? वो भी ऊपर उठना शरीर का है, और ये है मेरी कोई जाति नहीं, मैं कोई स्त्री नहीं, मैं कोई पुरुष नहीं, मैं उस साहिब का अंश हूँ, परमात्मा का।
ऐसा भाव हमेशा स्थिर करना, ऊपर उठना, इसको आध्यात्मिक में कहते हैं ते भाव से ऊपर उठना। जिस माता पिता से जन्म लिया मेरी वही जाति है, मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, मैं किसी का दादा हूं, काका हूं, भाई हूं, मामा हूं, मामी हूं, ये सब शरीर का भाव है। अब शरीर तो एक दिन राख हो जाएगा, अब उसके बाद में बताओ राख राख हो गया तो मामा कहाँ गया, कोई भी रिश्ता खत्म हुआ कि नहीं, राख होते ही शरीर की राख हुई, रिश्ता क्या रहा। तो उस अंतिम दिन ये होगा, परंतु आपको अगर भक्ति करनी है अंतिम दिन उसको खत्म नहीं करना है, आज के दिन मन से रिश्ता खत्म करना है संसार का। संसार का रिश्ता मन से खत्म करना है, देह का रिश्ता भी खत्म करना है कि ये शरीर मेरा नहीं है, मैं शरीर नहीं हूं, जाति पाति मेरी नहीं है, शरीर की है ना, नाते रिश्ते किसके हैं, शरीर के हैं। जो इस तरह ज्ञान प्राप्त करके ऊपर उठ जाता है वह नी अक्षर की भूमिका में चला जाता है। आदि नाम अमृत तन पावा, जात पात कुल धर्म न सावा, आदि नाम है गुप्त संसारा। थोड़ा सा गीता की बात कर लेते हैं। गीता में भगवान ने अर्जुन को क्या कहा कि भाई तू क्षत्रिय है और तुम्हें युद्ध करना पड़ेगा, और साहिब क्या कह रहे हैं, ना तो तुम कोई पुरुष हो, ना स्त्री हो, ना तुम्हारी कोई जाति है, ना कोई पाति है, तुम पवित्र आत्मा हो। तो साहिब आपको ऊपर उठा रहे, आपका कोई धर्म नहीं है सत्य के सिवा, सत्य ही धर्म है, सत्य ही कर्म है। ऐसा क्यों कहते हैं, उनमें में क्यों भेद है, भेद इसलिए है कि उनको तीन लोग 14 भवन 21 ब्रह्मांड तक दुनिया को भटकाना है, चलाना है, जन्माना है, मारना है, और साहेब को इधर से निकाल करके सत्य लोक में सत्य स्वरूप में मिलाना है। ये अंतर है कृष्ण भगवान में, कबीर साहब में अंतर जाना, ये अंतर है। आगे क्या कहते हैं, आदि नाम अमृत तन पावा, जात पात कुल धर्म नसावा, आदि नाम है गुप्त संसारा, जो पावे सो होई हमारा। जो आदि नाम पाएगा वो मेरा हंस है। वो आदि नाम जो है संसारी साधनाओं से, संसारी मुख से बोलने वाले नामों में नहीं है। बोलने वाले नाम जो संसार में जो यूज किए जाते हैं वो तो केवल 52 अक्षर में ही होते हैं। क्या कहते हैं, जात कुल तोड़ भ्रम कुल तोड़े, संत साधु सो नाता जोड़े। जितना भी अहंकार है वो सब तोड़ना है, और मैं बड़ी जाति का हूँ, बड़ा कुल का हूँ, ये सब अहंकार खत्म करना है। मैं तो सद्गुरु का सेवक हूँ, चरणों का दास हूँ, ऐसा भाव प्रकट करना है। जन्म कुल तोड़ भ्रम कुल तोड़े, संत साधु सो नाता जोड़े, तज पाखंड वैरागी होई, अपने साहिब को पावे होई। वैरागी बनना है। देखिए साहिब क्या कहते हैं आपको, रागी नहीं बनना है, वैरागी बनना है। रागी का मतलब क्या होता है, रागी का मतलब है कि दुनिया सब याद आवे, पैसा धन संपत्ति, वो राग हो गया, मेरी बहन, मेरा भाई, मेरा परिवार फलाना, वो क्यों नहीं आया, रोने लगे उससे। अब मरते समय देखो लोगों को, मेरी बेटी नहीं आई, मेरा फलाना नहीं आया, वो नहीं आया, यूं भैया तुम तो जाने वाले हो, क्या उसका मुख देखने से क्या मुक्ति हो जाएगी। ये राग हो गया, क्या हो गया,
राग सपना आवे तो अपने परिवार का ही आवे। आज मैंने दादी को देखा, दादा को देखा, ना आज मैं उसको देखा, ना उसको देखा, ये राग है। जब तक राग है तब तक वैराग नहीं है। और भी खोलें, ये सब राग का मतलब है वो भोजन बहुत टेस्टी है वो करना है, ये भी राग है। वो कपड़ा बहुत अच्छा है वही पहनना है, ये भी राग है। वो आदमी बहुत सुंदर है, वो बहन बहुत ब्यूटीफुल है, उसको मुझे देखना है, ये भी राग है। इससे सुरती राग में फंस जाएगी। तो वैराग का मतलब क्या है? संसार में रहता हुआ विषय वासनाओं से विरक्त होकर के विषय त्याग वैराग है। समता कहियो ज्ञान, समता से बोले वो ज्ञान है, और विषयों का त्याग करे वो वैराग है। आगे बढ़ते हैं। तज पाखंड वैरागी होई, अपने साहेब को पावे कोई, कहो काल का कर सके। साहेब क्या कहते बताओ, ऐसे बनने के बाद में काल तुम्हारा कुछ कर सकेगा? कुछ नहीं कर सकेगा। काल तो इसी में बैठा था देह भाव में। तो कहते हैं नियक्षर प्राप्त करने के बाद में काल तुम्हारा कुछ भी प्राप्त कुछ नहीं बिगाड़ सकता। कहो काल क्या कर सके, पुरुष नाम जय पास। जिसके पास सत्य पुरुष का नाम है, यानी नियक्षर नाम है, उसका काल कुछ नहीं बिगाड़ सकता। निर्गुण निंदक पच हुए, गुरु पर नहीं विश्वास। जो निर्गुण निंदक ये सब पच हुए, जिनको अपने गुरु पे विश्वास नहीं, वो पच पच के मर जाते हैं, पर उन्हें वो नियक्षर प्राप्त नहीं होता। पुरुष नाम जय परिचय हुई, सब भेषण में गुरु है सोई। जिनको ये ख्याल है अभी तक, जैसे जैसे पूर्ण गुरु मिल गए, नियक्षर की प्राप्ति करने वाले गुरु मिल गए, उसके बाद भी उसको भ्रम है कि मेरे गुरु छोटे हैं, फलाने गुरु बड़े हैं, ऐसा भाव आ रहा है, वो सतलोक नहीं जा सकता। उसकी भूमिका सतलोक जाने की नहीं हो सकती, कि ऊपर नीचे बैठने से गुरु बड़ा हो जाता है छोटा हो जाता है, नहीं। गुरु का स्थान हमेशा शिष्य के हृदय में सबसे ऊपर होता है। क्या कहा? पुरुष नाम जय परिचय हुई, सब भेषण में गुरु है सोई। इसने ही भेषधारी इकट्ठे हो जाए, वो कितने ही ऊंचा पहाड़ पे आसन लगाए, तो उसके मन में ये भाव नहीं आता कि मेरा गुरु नीचा है और ये बाबा जी ऊंचा है। जिसके मन में भाव ऐसा है वो नहीं अक्सर की प्राप्ति नहीं कर सकता। ताकि महिमा अगम अपारा, और लोक वेद तज भय नियारा। गुरु की महिमा लोक वेद तजने के बाद में समझ में आती है। अचल पुरुष जो अचल है देशा, आदि नाम लेकर प्रवेशा। जो अजरामर सतलोग हैं, आदि नाम प्राप्त करके हंस उसमें प्रवेश करता है। जाही वस्तु में मिटे दुख द्वंदा, सुख सागरता प्रेम आनंदा। वहां जाने के बाद कोई भी दुख नहीं रहेगा, सदा सुख सागर में आत्मा आनंदित सहाबोर होगी।